खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। मैं विशाल पटेल, खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह जिले में इन दिनों खुलेआम लूट मर्जी हुई है, जिसका विरोध खुद कांग्रेस के ही कार्यकर्ता करने लगे हैं। आइए दिखाते हैं मध्य प्रदेश से यह रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह जिले इन दिनों खुलेआम लूट मर्जी हुई है, जिसका विरोध खुद कांग्रेस के ही कार्यकर्ता करने लगे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल मालवीय ने आज नगर निगम कमिश्नर इच्छित गढ़पाले पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नारेबाजी किए एवं कमिश्नर के ऊपर जिले में खुलकर कमीशनबाजी करने का आरोप लगाया। उनका आरोप है कि कमिश्नर छोटे व्यापारी की उपेक्षा कर रहे हैं और बड़े व्यापारी से सांठगांठ करते हुए लूट कर रहे हैं। योजनाओं एवं कार्यक्रमों से के क्रियाओं में पक्षतापूर्ण ढंग से काम किए जाने के खिलाफ कांग्रेस नेता ने नगर निगम कमिश्नर से मुलाकात करने के लिए कहा, लेकिन नगर निगम कमिश्नर ने मिलने से मना कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल मालवीय नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद नगर निगम कमिश्नर ने पुलिस बल को बोलकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बाहर ही रुकवा दिया, जिसके खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए कमिश्नर के मीटिंग हॉल तक घुस गए, जिसके बाद भारी पुलिस बल के आने के बाद मामले को शांत किया गया। उसके बाद नगर निगम कमिश्नर ने कांग्रेसी नेताओं से लिखित में शिकायत मांगी, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेसी नेताओं का आरोप है कि आधे घंटे हमको रोका गया, जिसके कारण हमें मजबूरी में नारेबाजी करनी पड़ी। ये लोगों का, गरीबों का काम नहीं करते बिना पैसे लिए, ये बड़े बड़े व्यापारियों का काम करते हैं, और ये भ्रष्टाचारी कमिश्नर को तत्काल यहाँ से हटाया जाए। इसलिए हम लोग आज शांतिपूर्ण धरने पर बैठे, हम लोगों ने नीचे नारेबाजी की ताकि जनता पर और आप लोगों के डायरेक्ट माध्यम से मैसेज समाज पे जाए, ऐसे व्यक्ति को तत्काल हटा। देखिए, मेरे पास दो बार अप्रत्यक्ष रूप से आया, लेकिन मैंने मना कर दिया। हम लोग एक कार्यकर्ता के नाते अगर इनको ये सब करने लगे तो हमारा यहाँ क्या कर मतलब रहेगा।